जीजी माँ में आज फाल्गुनी है बेहद खुश। दरअसल नियति के पास से लड्डू गोपाल की मूर्ति मिली है। मूर्ति और नियति को लेकर फाल्गुनी मंदिर में आती है और नियति को भगवान का इशारा समझाती है। साफ शब्दों में अगर कहे तो फाल्गुनी नियति को माँ बनने को कहती है। वहीं अगली सुबह नियति विधान के साथ घर से निकल ही रही होती है कि फाल्गुनी उन्हें कृष्ण जी की पूजा के लिए रोक लेती है। हाँ भाभी माँ, मैंने ऑडिटर से टाइम भी लिया हुआ है। पापा सब संभाल लेंगे विधान, मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम दोनों की ज्यादा जरूरत मुझे है यहाँ, और वैसे भी 15 मिनट में तो पूजा खत्म हो ही जाएगी। चलो आ जाओ। देख बेटी, मैंने सारी तैयारियां करके रखी है, 5 मेवे, 5 फल, चंदन, मौली, दीप सब है यहाँ पर। फाल्गुनी नियति के हाथों में दूध का लोटा देकर बाल गोपाल का जलाभिषेक करने को कहती है और साथ ही भगवान से उनके लिए दुआ भी करती है। चलो जल्दी से दूध पकड़ और अभिषेक कर। क्या सोच रही है बिट्टू? चल चल जल्दी कर। चल आ जा। लड्डू गोपाल, आप विधान और नियति पर अपनी कृपा बनाए रखना, इन दोनों को मां बाप बनने का। जहाँ फाल्गुनी नियति की खुशियों की दुआएं मांग रही है, वहीं नियति के चेहरे पर एक अलग सी ही परेशानी है और घबराहट के चलते नियति के हाथों से लोटा गिर जाता है और वो बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। चलिए सीधा फाल्गुनी के पास चलते हैं और पूरे सीन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली मैंने बिट्टू को बोला होता है कि मैं तुम दोनों के हाथ से विधान और बिट्टू के हाथ से लड्डू गोपाल का अभिषेक करवाऊंगी, पूजा करवाऊंगी। तो मैंने पूरी तैयारियां करके रखी है, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। क्यों ऐसा कर रही हूँ? क्योंकि ये बात छिड़ी है कि दोनों जल्दी से जल्दी मम्मा पापा बन जाए और मुझे मासी बना दे, तो इसलिए मैं पूजा करवा रही हूँ उनके हाथों से। लेकिन बिट्टू पता नहीं क्यों इतनी परेशान है, और मैं जब उसे बोलती हूँ कि दूध से अर्पण करे, वो अभिषेक करे, तो उसके हाथों से दूध गिर जाता है और मैं शॉक हूँ और कि इसको क्या हो गया, और वो रोती रोती चली जाती है। फाल्गुनी, घर से बाल गोपाल की मूर्ति मिली है, क्या लगता है आपको कि आखिर ये कहाँ से आई होगी? अभी ये हो रहा है कि इसको बिट्टू को अपनी अलमीरा से लड्डू गोपाल मिले हैं चांदी का, तो एक साइन है, सिग्नल है कि लड्डू गोपाल खुद उसके पेट से जन्म लेना चाहते हैं, ऐसा हमारी सासू माँ बोलती है। तो जबकि जानबूझ के उन्होंने रखा है, पर वो चाहती हैं कि शी बिकम्स अ मदर वेरी सून, तो इसलिए तो हम बस उस मूर्ति को मंदिर में रखने आए, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। मैं कह रही हूँ मैं मासी बनूंगी, बहुत मजा आएगा, छोटे बच्चा मुझे मासी बोलेगा और मैं बहुत प्यार करूंगी उसे। फाल्गुनी, क्या आपको इन सब के पीछे उत्तरा देवी की साजिश लगती है? नहीं, मुझे लगता है विधान के लिए तो पॉजिटिव ही होगा कि अपने बच्चे के लिए वो अच्छा ही चाहती है कि मैं दादी बनूं और विधान का बच्चा पहले आए, और हम दोनों की शादी उन्होंने 6 महीने के लिए टाल दी है मेरे और सुरेश की। तो क्या चाल है वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो सब अच्छा ही लग रहा है कि वेल, नियति की घबराहट ने फाल्गुनी की टेंशन बढ़ा दी है। अब ऐसे में फाल्गुनी का अगला कदम क्या होगा, इसके लिए आपको करना होगा यूमियोर टीवी की अगली अपडेट का वेट। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।